क्या हाल चाल है खाकसार। मुझे तो खाकसार का कैमरा मौजूद है और आज की वीडियो, आज का पॉडकास्ट है ये खाकसार का पहला पॉडकास्ट है। और आज जो हमारे साथ एक मेहमान जो हैं वो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, एक हमारे कह लें कि इंस्पायरिंग एस्पायरिंग होता है, इंस्पायरिंग होता है, एक्टर हैं, सिंगर हैं, सिंगर नहीं है, डांसर हैं और सिनेमाटोग्राफर हैं, एक्शन कोरियोग्राफर हैं, एक्शन डायरेक्टर होता है, सॉरी एक्शन डायरेक्टर हैं। हमारे एक अदद मसरूर सिद्दीकी साहब हैं जिनकी नई मूवी आ रही है, तो उस मूवी की बारे में हम पूछेंगे इनसे, क्या भाई क्यों, क्या चुल थी जो मूवी बनाने बैठे आप, और क्या हुआ था, क्यों बना रहे हैं, क्या है मूवी में, कौन कौन मेन हीरोज़ हैं, क्या है स्टोरी, क्या है, क्या लोगों को देख के क्या मिलेगा उससे। क्योंकि बेहतर बात ये होती है ना कि अगर इंसान कुछ देख रहा है तो कुछ उससे सीख भी रहा है, तो क्या सीख रहा है इंसान उससे। सही, तो आपकी भरपूर तालियों में, गालियों में, जो भी करना का कर, हमारे मसरूर सिद्दीकी साहब। आ जा यार, तू बस आगे बैठ जा। और भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? हम तो आप बताएं कैसे, हाथ तो मिला लें यार। हाँ हाँ सॉरी भाई, मैं समझा कोरोना है तो कोरोना के बाद हाथ भी नहीं मिलाएंगे। चलो बहरहाल माइक लगा लो पहले। हमारे साथ मसरूर सिद्दीकी साहब आ चुके हैं और ये हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई कह लें, और इनकी नई मूवी आ रही है, अंजाम मूवी का नाम है। अभी हम इनसे पूछेंगे क्या ये, हम पूछेंगे क्या, अभी पूछते हैं कि आप क्या हैं, क्यों हैं और किस लिए हैं, ये हमारे दर्शकों को आप बता दें। अरे क्या हैं आप, क्या करते हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे, जो भी है जहाँ तक भी पहुँचे आप वो सारा कुछ। फिलहाल तो घर से तुम्हारे पास पहुँचो। अच्छा चलो स्टार्ट करो। बस यार कुछ नहीं, सबसे पहले तो ये कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आप सब देख रहे हैं और जितने लोग पहले से देखते आ रहे हैं, तो ये मेरी सेकंड फिल्म है, इसका नाम अंजाम है। इससे पहले मैंने अधूरा की थी, वो भी तारिम भाई के साथ ही की थी। अनफॉर्चुनेटली इस बार हम साथ काम नहीं कर रहे, काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं भाई, टाइम नहीं दे रहे, बट पॉडकास्ट के लिए टाइम दे बहुत बड़ी बात है। सो बेसिकली आपने पूछा हम करते क्या हैं और हम क्या हैं। पहले तो यार हम एक इंसान ही है, दूसरी बात ये कि एज अ फील्ड के अंदर अब पूछा जाता है, एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ और अपने खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, खुद की प्रोडक्शन है, खुद प्रोड्यूस करता हूँ, डांसर हूँ एज वेल, कर लेता हूँ डांस जो आता है मुझे, एक्शन वगैरह की आपने तो खुद ही बात कर ली थी। और दूसरी बात, अब जो फिल्म की आप कर रहे हैं तो वो फिल्म ऐसा है कि देखें मैसेज फिल्म है, डेफिनेट सी बात है, आपने सही बोला कि लोगों को कुछ सीखने को मिलना चाहिए। वैसे भी आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर मैसेज की चीज़ पहुंचे तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, तो मैसेज है और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी है, थोड़ा सा इसके अंदर हमने रियलिटी शो करने की पूरी कोशिश की है। और फिल्म का नाम ही ऐसा अंजाम, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई रिवेंज टाइप चीज होगी, हैं कि कुछ हुआ तो उसका अंजाम क्या हुआ, कुछ ऐसा ही होगा है। अब ये सब अभी बता दिया तो फिर मुझे वैसे पता नहीं है, मुझे इन्होंने बुलाया था शूट पे पर मैं अभी तक शूट पे जा नहीं सका, आज इनकी फाइनल डे है शूट का तो उस पर शायद मैं जाऊँ, मेरी उम्मीद है, मेरी कोशिश है कि जाऊँगा मैं, तो देखते हैं क्या होता है। मौसम भी आजकल वो बड़े ख़राब चल रहे हैं, बारिशें हो रही हैं कराची में। नहीं जहाँ तक बात है, ट्रेलर तो रिलीज हम कर चुके हैं। हाँ ट्रेलर रिलीज हो चुका है इनका, मैं नीचे लिंक में भी दे दूंगा ट्रेलर भी, क्योंकि ये मूवी रिलीज जब होगी तो उसका भी लिंक नीचे अटैच कर दूंगा। और बाकी ट्रेलर मैंने देखा था, बाकी में बड़ा आला था। थैंक यू बहुत अच्छा था, नहीं बाकी में अच्छा था। तो ट्रेलर से तो थोड़ी बहुत आपको हिंट मिल गई होगी। हाँ बाकी ये कि पूरी फिल्म का इंतजार करें, इंशाल्लाह दो हफ्तों में रिलीज है। सही, आपकी दुआ चाहिए बस। चलो सही, और कौन कौन इसमें मेन लीड हैं और क्या क्या उनके रोल हैं? यार मेन लीड तो आपको पता है, आपका भाई करेगा। आपका भाई तो होता ही है ना, भाई तो होता ही है। यार देखो आपका भाई सी बात है, यार जब प्रोड्यूस करूंगा तो एक्ट भी करूंगा। सही बात। और जहां तक बाकी है तो अब्दुल समद सैम अली सही है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, और यू नो डायरेक्शन संभाल रहा है, वो एडिट संभाल रहा है, वो करेक्टर कर रहा है, तो सैम आई लव यू यार, और तुम यू नो यू आर द बेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उनका एक करेक्टर है और इसमें एक नए आर्टिस्ट को हम थोड़ा जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कह सकते हैं मुबीन शेख जिसका नाम है। और कास्ट में अगर आप फीमेल की बात करें तो फायजा कुरैशी हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सही एफएम पर भी करती हैं, सही थिएटर भी करती हैं,
कमर्शियल भी करती हैं, फायजा कुरैशी उनका नाम है। बाकी जो पता है आपको कास्ट होती है विलन, और मेन विलन कौन है यार? मेन विलन जो हमारे हैं वो अदनान बेग साहब हैं। सही। वो मेरी पिछली फिल्म अधूरा में भी थे, जिन्होंने देखा होगा उनको याद होगा, आपको तो याद ही है। उसमें तो आपके बाप का रोल अदा कर, देख लो है ना, बाप से विलन बनने में टाइम नहीं लगता जो बात है। तो बस ये कि वो इसमें मेन विलन हमारा प्ले कर रहे हैं और काफी अच्छा उन्होंने काम किया। मैं ऑन कैमरा ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू के लिटरली आप सबने अदनान बेग, अलीशा, सैम अली और जो हमारी डीओपी नुमान भाई, आप सबने यार जो है द बेस्ट, आप लोग, आप जैसी टीम आज तक नहीं मिली। बहुत अच्छा आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, काम किया और इस फिल्म को वाकई अंजाम तक पहुंचाया। आज रात को पहुंचने वाली है अंजाम पे, आज रात को लास्ट इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पूरी हमारी कोशिश है इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुंच जाए, अपने सर अंजाम तक, ठीक है। और एक्चुअली हुआ ये कि बीच में काफी ज्यादा छुट्टी हमारी कैंसिल हुई, हाँ, बारिशों की वजह से, मुहर्रम चल रहे थे, बहुत शोक का महीना होता है, तो उस वजह से पेपर वर्क तो हम काफी पहले कर चुके थे और लाइनअप वगैरह भी हम कर चुके थे, इनफैक्ट ईएनजी वगैरह हर चीज बुक हो चुकी थी, बट ड्यू टू सम इश्यूज तो फिल्म हमारी काफी ज्यादा डिले हो गई, क्योंकि काफी सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे, शायद मैंने आपको बताया भी था, आपको याद हो, याद है कि वो फिल्म डिले हो रही थी, तो वो इस वजह से हुई कि वो शूटिंग हमारी कैंसिल बहुत हो रही थी, बट वही आपकी बात कि आखिरकार आज सरंजाम पहुंचेगा, आज सरंजाम पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये तो थी सारी तुम्हारी ना जो अभी आने वाली फिल्म है उसकी बात है, तुमने काफी सारे प्रोजेक्ट ना पहले भी किए हैं, गाने किए हैं और एक फिल्म की है, बिल्कुल, तो उस पे भी तुम्हारा क्या स्टार्ट कहाँ से तुमने किया था कि तुम्हारा जो पहला गाना था आई थिंक दीवाना हो गया था? नहीं, वो चाहत था, वो चाहत था, दूसरा दीवाना हो गया, बिल्कुल दूसरा दीवाना हो गया था, तो क्या लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन था और कैसे लोगों ने, अगर देखा जी जैसे मैं स्कूल मेट था तुम्हारा, हाँ, तो मैंने देखा अरे मसरूर भाई गाने बना रहे, ओहो वाह वाह, तो ऐसे लोगों के क्या कमेंट्स वगैरह थे या क्या, अगर फेस टू फेस लोग मिलते थे तो क्या क्या कहते थे, और लव मिलता था या प्यार मिलता था या लोग कहते थे चैनल चैनल मुआ राशि बन रहा ये कुछ ऐसा कुछ यार देखो जहाँ तक बात है एज एन आर्टिस्ट अगर आप बात करो तो डेफिनेटली बात है क्रिटिसिज्म तो मिलता है, लव भी मिलता है, प्यार मिलता है, एक्सट्रीम हेट भी मिलता है। जहां तक तुम्हारी बात है देखो तुम मेरे साथ स्कूल में थे, हम सोसाइटी में भी रहते थे साथ पहले, तो तुम भी हैरान हुए देखकर, मेरी फैमिली भी ऐसी हैरान हुई थी कि ये किस लाइन में जा रहे हैं, कोई नहीं गया आज तक। बट वही बात है कि एक पैशन मुझे हो गया था बीच में जब मैंने इंटर में आया, मैं मैट्रिक करी, टाइगर श्रॉफ मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, आपको पता है, हमें पता, टाइगर श्रॉफ और जस्टिन बीबर ये दो बंदे ऐसे हैं, आप इनके पास आपकी, इनके पास उनकी शर्टें, बैंड्स, पैंटे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे उनकी तस्वीरें उन्होंने ना छपाएंगे हमें पता नहीं है। अरे यार इनके ना फैन है और जो इनके फैन है उनको भी पता है कि वो बहुत ज्यादा ना मैं लिटरली इसी बात से ना मैं लिटरली इसी बात से ना इस पॉडकास्ट में से डरा था कि ये मेरी खिंचाई करेगा मैं सोच रहा था आने से पहले कि भाई मैं कैंसिल ही कर दूं कसम से ये बहुत खिंचाई करने वाले हैं तो नहीं, नहीं। यार बिल्कुल मैं फैन हूं उनका, तो जब मैंने उनको देखा पहली बार तो फिर मुझे हुआ कि यू नो इंसान जब किसी को देखता है तो उसको आइडियलाइज करता है, फिर चाहता है कि वैसा बनने की कोशिश करूं, उससे अच्छा बन जाऊं, कम से कम वैसा ही बन जाऊं, कुछ तो करूं, तो मैंने भी इसी दौड़ में लग गया। सच बोलूंगा इस काम में सिर्फ अम्मी का सपोर्ट है बहुत ज्यादा मुझे, आई लव यू अम्मी, और आप जैसे दोस्त मुझे मिल गए जिन्होंने मेरे काम को समझा, मुझे कभी डिग्रेड नहीं करा, कभी मुझे जो है गलत नहीं समझा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं ऑन कैमरा नहीं कह रहा हूँ, आप अभी जो मुझे नए लोग देख रहे होंगे वो जब जाएंगे मेरा काम नहीं तो सारे मूवियों उनको मेरे हर गाने के अंदर मिले, क्योंकि इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा भाई है, अभी भी इसने मेरी फिल्म का ट्रेलर देखा और मुझे छूटते कहा कि मसरूर भाई इस फिल्म पर पॉडकास्ट बनता है, प्रमोशन बनती है, तो मैं अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि जिगर है मेरा ये, तो आप लोगों ने समझा, आप लोगों ने सपोर्ट किया, चीजें सिखाई मुझे, बहुत कुछ मैंने सीखा आप लोगों से, बस मैं चलता रहा। अब अगर हम बात करें लव की हेट की तो मुझे शुरू में बिल्कुल नहीं मिला, सच बताऊंगा मैं, मुझे लव बिल्कुल नहीं मिला शुरू में, यही मेरा आपका वाला मजाक उड़ता रहा कि ये बच्चा है, बाल नहीं है इसके सर पे, इतने से बाल है, क्लीन शेव है, दाढ़ी नहीं आती, पतला सा बच्चा है, क्या करेगा ये 19-20 साल का लड़का है और बस इस शौकिया कर रहा है, डांस शुरू किया तो लोग हंसते थे, आपको पता है मैंने बताया था आपको, तो कहीं भी किसी इवेंट में बुलाना नहीं, किसी स्टूडियो में प्रोडक्शन में हो तो वहां काम नहीं मिलना, तो एट सम पॉइंट मुझे ये ख्याल हो रहा था कि मुझे अगर काम मिलेगा भी नहीं शायद, क्योंकि जिस तरीके से मुझे बैक टू बैक क्रिटिसिज्म, बैक टू बैक हेट मिल रहा था और लोग पिंच कर रहे थे कि बस ये कुछ करे और हम इसको जो है ना दोबारा गिराएं, तो
आगे मुझे ऐसा फील आया था कि मुझे काम मिलेगा भी नहीं और मेरा नहीं, नहीं मैंने ना तुम्हारी वीडियोस पे कमेंट्स वगैरह तुम जाहिर सी बात है पॉडकास्ट शूट करनी थी तो मैं थोड़ा सा स्टॉक कर रहा था तुम्हें तो मैं तुम्हारी वीडियोस पे जो गाने थे और जो पिछले जो गाने आए हैं और जो सारी वो चीज़ें हैं उन पे लोग कमेंट्स भी करते हैं यार मैं मसरूर को नहीं देख रहा मैं लो बजट टाइगर श्रॉफ और जस्टिन बीबर को देख रहा हूँ ऐसे भी तो तुम्हारे उस पर ना कमेंट्स वगैरह हैं तो लोग जाहिर सी बात है क्रिटिसिज्म करते हैं थोड़ा बहुत बाकी जो जो लोग हैं मैंने तुम्हारी एक वीडियो देखी है तुम्हारी एक ना परफॉर्मेंस थी तुम शूट कर रहे थे तुम डांस कर रहे थे और कोई और शूट कर रहा था तो पीछे से ना किसी की कोई ना रैंडम बंदी भी पीछे से आवाज आती है ये तो हीरो है तो वो फिर ना कुछ लोगों को अच्छा भी लगता बिल्कुल, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है दोनों साइड के लोग ना हर किसी को मिलते हैं हाँ बिल्कुल ये वाली बात वही आ गई ना ये अभी हो रहा है ना हाँ ये अभी हो रहा है अभी हो रहा है मैं आपको थोड़ा पास का बता रहा था कि तब मुझे नहीं मिल रहा था तो ऑन दैट पॉइंट पे मैंने यही किया कि मैंने खुद एक दिन अकेले बैठकर सोचा कि यार मुझे अगर कोई जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक मुझे नहीं समझेगा जब तक मैं अपने आपको दिखाऊंगा नहीं ऐसे में अगर जाता रहा तो मुझे कोई भी नहीं पूछेगा मुझे खुद कुछ एक्सप्रेस करना पड़ेगा शो करना पड़ेगा और उसी में फिर आप लोग की बात करूं कि आप लोगों ने सपोर्ट किया मैंने अपनी छोटी सी प्रोडक्शन शुरू की मैंने अपना पहला गाना चाहत किया फिर मैंने दीवाना हो गया किया तो मुझे हाइप मिलने लगी फिर मैंने फ्रॉम माई हार्ट के जो आप ही ने शूट किया था तो बैक टू बैक मैं जब काम करने लगा तो फिर लोगों को रिकॉग्नाइजेशन होने लगी कि हाँ यार एक मसरूर सिद्दीकी लड़का है भाई वो डांस वांस कर लेता है उसकी बॉडी वॉडी थोड़ी बहुत है थोड़ा बहुत चल जाएगा फिर डांस परफॉर्मेंस मुझे मिलने लग गई शोज मिलने लग गए तो इस तरफ मेरा सिलसिला शुरू हुआ शहरोज सब्जवारी के साथ हाँ वो मैंने किया बिल्कुल मैंने शहरोज सब्जवारी के साथ भी आपने शहरोज भाई मेरे बहुत अच्छे भाई हैं उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया उन्होंने बकायदा ऑन सेट मैं ये बात हकीकत बोलूंगा अगर शहरोज भाई देख रहे होंगे मैं आपको भेजूंगा जरूर मेरी वीडियो पे देख जरूर नहीं वो बिल्कुल मेरे भाई हैं मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है हम दो तीन दफा बात काम वगैरह कर चुके हैं बात कर चुके हैं तो शहरोज भाई ने ऑन सेट कुल्फी पे यकीन माने मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार वो बंदा मतलब लव है उसने अपना काम छोड़ा हम सेट पर थे पीएफ म्यूजियम में शूट कर रहे थे कुल्फी फिल्म का क्लाइमेक्स हम शूट कर रहे थे एक्शन कर रहे थे वो बंदा इतना लव है यार इतना जिगर है वो भाई अपना वो बैठा और उसने मेरे सारे गाने देखे सारे गाने दीवाना हो गया तेरा जिक्र फ्रॉम माई हार्ट लोन जो आपने शूट किया उसने सब देखा और उसने एक ही बात बोली कि यार तुम इस तरह लगे रहो और तुम बहुत आगे जाओगे तो शहरोज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का साथ काम भी किया बहुत अच्छा लगा तो ऐसे लोगों को जब मिलता है ना तो फिर इंसान को लगता है कि यार आप कुछ सही कर रहे हो सही कर रहे हो और जहां तक आपने बात की कि ये तो हीरो है और परफॉर्मेंसेस कर रहे हो तो शोज कर रहे हो तो बहुत लोग कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखो आर्टिस्ट को जब उसके काम का पे ऑफ मिल रहा होता है ना इज्जत के बदले में तो उसकी अचीवमेंट हो गई क्योंकि असल मकसद ही लोगों का दिल जीतना है पैसा हर कोई कमा लेता है इज्जत हर कोई नहीं कमा पाता तो जब अचीवमेंट आपको लोगों के प्यार की सूरत मिल रही हो ना तो आप समझता कुछ करो और जहां तक वो लो बजट टाइगर श्रॉफ जसीन तो बिल्कुल भाई वो लेजेंड्स हैं अब मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें कॉपी नहीं करता अक्सर लोग मुझे बात कहते हैं कि आप उन्हें कॉपी करो ना मैं कॉपी नहीं कर रहा उनके एलिमेंट्स को मैं अपने तरीके से जो है ना प्रोड्यूस करता हूँ मतलब उनके कुछ अच्छे एलिमेंट्स को मैं लेता हूँ जो कि वो करते हैं फिर उनको मैं अपने वे में प्रोड्यूस करता हूँ तो थोड़ी बहुत झलक आ जाती है तो उसके लिए माजरा चाहता हूँ बाकी जो कहते हैं वो भी कहते हैं ना कि जैसे मैं ना ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ तो ना उसमें भी ना मैं जब मेरा दिमाग नहीं चल रहा तो मैं जो ना जो आर्टिस्ट हैं जिनको मैं एडमायर करता हूँ मैं ना उनकी कुछ कुछ चीज़ें उठाता हूँ ठीक है तो लोग मुझे भी कहते हैं कि यार तू कॉपी कर रहा है तू कॉपी कर रहा है भाई तो कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते अपना स्टाइल डेवलप हो जाएगा फिर जो सारे में वो फिर सारे में होगा जो मशहूर है वो फिर मशहूर होगा वो फिर टाइगर श्रॉफ नहीं होगा बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए कोई भी होता है ना वो व्लॉगर हो वो डांसर हो वो आर्टिस्ट हो या आप कुकिंग जो घर में लेडीज कुकिंग वगैरह करती हैं तो उसमें भी यही होता है कि वो किसी को चैनल वगैरह देखती हैं फिर उसी से इंस्पायर होकर करती हैं तो इंस्पिरेशन अलग चीज है कॉपी करना अलग चीज कॉपी करना आप किसी से इंस्पायर होते हो उसको आइडियलाइज करते हो तो फिर उसके एलिमेंट्स को अपने तरीके से आप प्रोड्यूस करते हो मुझे एक ना चीज याद आ गई कॉपी की बात इंस्पायर और कॉपी की बात की ना अभी एक गाना आया था शायद तुमने देखा होगा गाने का नाम नहीं लूंगा अभी वो गाना आया था और दो बड़े ना जाने माने आर्टिस्ट का वो गाना है और तीसरे जाने माने आर्टिस्ट ने वो प्रोड्यूस किया हुआ अच्छा ये ना मतलब वो पाकिस्तान की जो टॉप लाइन है ना उसके आर्टिस्ट हैं वो अच्छा उन्होंने एक किसी हॉलीवुड की वो ना सिंगर का गाना देखा सही है वो okay. वो उनको अच्छा लगा उनको अच्छा लगा स्टार्ट में छोटी सी कोट लिख दी के कहना थैंक यू फॉर बीइंग आवर इंस्पिरेशन
पर वो गाना ए टू जेड कॉपी है, बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल कॉपी है। इंस्पिरेशन और कॉपी में बहुत बारीक सी लकीर होती है, वो चीज ना क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इंस्पिरेशन एक अलग चीज है कि आप किसी चीज से इंस्पायर हो रहे हो और फिर आप उसको देख के कुछ अपना कुछ बना रहे हो, और कॉपी देखना अलग चीज है। उसमें ड्रेसिंग, उसमें लाइटिंग, उसमें लोकेशंस, उसमें यहाँ तक कि यार डायरेक्शन, उसमें हर चीज ए टू जेड हर शॉट कॉपी। बिल्कुल, और मैं पता क्या बोलता हूँ, इंस्पिरेशन नहीं है उसमें, ये बिल्कुल आपने सारा कुछ कॉपी है उसमें। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, 100% पॉइंट की बात की है कि देखें अब अगर इसको लोग आप जस्टिफाई करने के लिए लोग इसको बोलें कि ट्रिब्यूट पेश किया, देखें नहीं, ट्रिब्यूट भी जब इंसान पेश करता है ना तो उसमें भी इंसान अपना एलिमेंट डालता है, अपना एलिमेंट डालता है। माइकल जैक्सन है, वो पूरी दुनिया ट्रिब्यूट दे रही है, मैं उसको ट्रिब्यूट दे रहा हूं, तो वो मेरी भी कुछ चीज होनी चाहिए। हाँ, अपने स्टाइल से ट्रिब्यूट देना, जैसे माइकल जैक्सन को पूरी दुनिया दे रही है, नॉट ओनली मी, दुनिया। टाइगर श्रॉफ की बात कर ले, आप ब्रूस ली को दे रहे होते हैं ट्रिब्यूट, माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं, बड़े बड़े लोगों को, शाहरुख खान को लोग ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं, बट इट डजंट मीन कि आप पूरा उन्हीं को उन्हीं वे में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए टू जेड कॉपी कर दो है, सम एलिमेंट्स आपको, हाँ, छापा, बिल्कुल, सम एलिमेंट्स आपको अपने जो है इसमें डालने पड़ते हैं, क्योंकि आपको अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ती है, ताकि पता चले कि आप किसी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हो तो अपने वे में कर रहे हो। हाँ, तो ये चीजें इंसान को मतलब देखनी चाहिए। आपने बहुत ये पॉइंट अच्छा उठाया, अक्सर उठाते नहीं है लोग। अबे मैं देख के मेरा दिमाग फट गया भाई, क्या कर रहे हो? एक तो वैसे ये भाई साहब गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, इन्होंने यार ये देख लिया तो फिर तो खत्म बस। मतलब एक तो स्टार्ट के लोग हो ना, जो अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, तो उनको चलो समझ आ जाता है कि यार कुछ नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट उन्होंने कॉपी करके कुछ अपना तो बनाया, कुछ अपने हाथ पांव मारे। पर जब ये ना टॉप लाइन के जो वो, हाँ, जाहिर है आप जब एक लेवल पहुंचा हो, मैं ये सोचता हूँ कि भाई जिस बंदे का वो गाना है, वो बंदा घर पे जाके क्या बोल रहा होगा कि ना मैंने आज गाना बनाया, क्या गाना बनाया, या यार गाना मेरा, मैंने बनाया है पर किसी और का था, कुछ और वीडियो थी, बस मैंने जबरदस्ती बना दिया, मैंने उस कॉपी पेस्ट मारा, उसमें मेरी कोई क्रिएटिविटी नहीं। नहीं, बिल्कुल 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंसान को अपना। और सबसे बड़ी बात ये, जब आप किसी और इंडस्ट्री को आइडियलाइज करो ना, हाँ, किसी और इंडस्ट्री को आप जब देख रहे हो और उसके जैसा बनाना चाह रहे हो, तो 100% आप अपनी चीज जरूर उसमें इनपुट करो, ताकि लोगों को नजर आए कि भाई लोगों को नजर आए, उसको आप इंस्पायर तो कर रहे हो, बट आपकी अपनी इंडस्ट्री की भी एक वर्थ है, आप उसमें दिखाओ। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल आप इस बात को सही कह रहे हैं। अच्छा यार, ये कुछ चीजें तुम्हारी जो पास्ट लाइफ और अभी जो काम कर रहे हो उसके हिसाब से अभी थोड़ा ना वो हो जाते हैं कैजुअल। सही है, थोड़ा सा कैजुअल कैजुअल हो जाते हैं और बताना शुरू करता है। ठीक है, ये बोलो ना पूरी बात, जब बोल रहे हो तो फिर नहीं, कैजुअल होके ना थोड़ा सा एक ना छोटा सा गेम रखते हैं। सही है, सही है। उसमें मैं तुम्हें ना कुछ चीजें पूछूंगा जिनमें बहुत ना माइनर से चेंजेस से ना वो चीजें वो ना डिफरेंशिएट आउट होती हैं, तो उसमें बताना है कि तुम्हें क्या चीज पसंद है और क्यों पसंद है। सही है, सबसे पहले खड़ते हैं बहुत आसान सा, चाय या कॉफी? सही है, चाय यार। क्यों? चाय बचपन से पाकिस्तानी, इसलिए टी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप हमारा टी पॉजिटिव। यार बचपन से बस चाय की आदत। हाँ चलो, बस ना ऐसी मैं तुम्हें ना दो चीजें बताऊंगा, उसमें से कौन सी तुम्हें अच्छी लगती है वो बतानी। सही है, अब एक तुम्हारे उस पे आते हैं कि तुम्हें तुम्हारे उसमें क्या कहते हैं, अच्छा फिल्म या पे शॉर्ट फिल्म, इनकी भी अभी ना कॉल आ गई थी तो हमने बीच में थोड़ा ना कट मारा, तो फिल्म या फिर शॉर्ट फिल्म। फिल्म्स में ये होता है ना कि आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, 2-3 घंटे होते हैं, आप आराम से चीज कन्वे कर सकते हैं। शॉर्ट फिल्म में थोड़ा सा चैलेंज होता है कि आपको छोटे टाइम में एक मैसेज देना है। तो देखो, अगर कमर्शियलाइज तरीके से बात करो, हाँ, तो सिनेमा की फिल्म को मैं प्रेफर करूँ, क्योंकि उसके अंदर आप एक्शन कर सकते हो, डांस कर सकते हो, रोमांस हो जाता है, सब कुछ खुल के हो सकता है। नहीं मतलब खुल के, मतलब लंबा लंबा हो सकता है, डांस भी लंबा हो जाएगा क्या? ये अम्मी ने भी देखना है भाई, मेरी अम्मी ने देखना गलत यार। कमर्शलाइज तरीके से जो है आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो सिनेमा फिल्म की, तो इसलिए मैं सिनेमा की फिल्म को प्रेफर करूंगा। शॉर्ट फिल्म में यार देखो, चैलेंज आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली, पॉइंट ऑफ व्यू चैलेंज होता है, कट टू कट दिखाना होता है, पूरी ही स्टोरी को छोटा करके दिखाना, कंप्रेस कर दिखाना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप 15 मिनट के अंदर एक डिटेल चीज दिखा रहे हो, तो हेड्स ऑफ यार। तो क्रिएटिविटी के लिहाज से शॉर्ट फिल्म, लेकिन अगर आप कमर्शलाइज तरीके से देखना चाहो तो फिर सिनेमा की फिल्म को प्रेफर करूंगा मैं। और जो मेरा काम है डेफिनेटली,
चॉकलेट बॉय की इमेज है। चॉकलेट बॉय खुद ही अपने आप को नहीं नहीं देखो ऐसा है ऐसा है। पहले मैंने नहीं सुना अभी तक, मैंने हीरो सुना था, मैंने हीरो सुना था, चॉकलेट बॉय नहीं सुना। ये आप लोग भी जल्द सुनोगे, ये भी जल्द सुनेगा क्योंकि मैंने सुनना शुरू कर दिया है। अच्छा तो मैं अपने लिए सिनेमा की फिल्म को प्रेफर करूंगा। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारी अभी ये तो अंजाम हो रही है और पिछले प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, आगे क्या सीन है? आगे क्या शॉर्ट फिल्म्स ही बनानी है या फिर फिल्म्स की तरफ आना है या गाने और बनाने या क्या करना है या थोड़ी सी ब्रेक करनी है या यू नो व्हाट आई मीन? यार देखो ब्रेक तो नहीं लेनी फिलहाल। अच्छा फिलहाल तो मैंने अभी काम से शादी की हुई है। अच्छा तो ब्रेक तो बिल्कुल नहीं लेनी, बैक टू बैक काम करना जिस तरह मैं कर रहा हूँ। और जब तक आप जैसे लोगों का साथ है, इतनी प्यारी आवाम का साथ है, तो करता रहूँगा काम। और प्रोजेक्ट अभी 3-4 जो है हमने फाइनलाइज किए हुए, जिनमें से वही फिल्म है, 2 लाइनअप पे शॉर्ट फिल्म, एक गाना आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और जहाँ तक बड़े सिनेमा की फिल्म या टेली फिल्म की बात की जाए या किसी वेब सीरीज की बात की जाए तो उसके लिए भी टाइम है। हाँ वेब सीरीज भी एक अलग चीज है, वो भी बड़ी ना इंटरेस्टिंग चीज यार, आजकल बहुत चल रही है, बहुत चलती है और कसम से मजा आता है। मैं लिटरली अगर आपको बताऊं, आप भी इत्तेफाक करोगे इस बात से, ये लोग भी करेंगे कि कर लेना तो फायदा वरना बुरा मान जाएंगे। सिनेमा की फिल्मों को और ड्रामा को डाउन किया ना वेब सीरीज ने किया। जो बात है जो बात है, जो सीजन आ रहे हैं, जो वेब सीरीज आ रही हैं, ब्लास्ट कर दिया है इंटरनेट पर। तो वेब सीरीज की तरफ भी जाने का इरादा है, बट उसमें अभी काफी टाइम है क्योंकि वेब सीरीज में बड़ी यार बहुत पंचायतें हैं भाई, बहुत बहुत ज्यादा पंचायत, बहुत ज्यादा पंचायतें हैं। द होल प्रोडक्शन, द होल सिनेरियो, उसको डील करना यू नो काइंड ऑफ डिफरेंट यू नो, तो बहुत मुश्किल है वो। अभी फिलहाल तो नहीं, कुछ सालों में चलो इंशाल्लाह, उम्मीद है आगे। चलो सर सर फिलहाल तो अंजाम पे फोकस है। अच्छा और मैं उम्मीद रखूंगा आप अंजाम ही देखें। अभी ये अंजाम के फौरन बाद क्या है, अंजाम के फौरन बाद इंशाल्लाह गाना आ रहा है। गाना गाना आ रहा है, लव सॉन्ग है? नहीं, इट्स अ रैप सॉन्ग। चलो शुक्र है, सारे के सारे लव सॉन्ग ही आ रहे थे पहले तो। आई मेड चिल्वा यार, एक आया था बस, एक अभी भी आया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो इंशाल्लाह एक और रैप सॉन्ग आ रहे हैं। उम्मीद होगी कि वो आप ही शूट करें इंशाल्लाह। आप लोग बताइए कि इन्हीं से कराना सही है? नहीं सही है भाई। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा थोड़ा सा ना टॉपिक से हट के, अभी जो तुम्हारी एज है, लड़के लड़के हो, हम भी लड़के लड़के हैं, मतलब बुड्ढे हो गए पर दाढ़ी नहीं आई अभी पूरी। अगर वो तुम जिस तरह का काम करते हो, और मैंने तुम्हारी जो मैंने बताया कि वीडियो मैंने तुम्हारी देखी थी, लड़की ने पीछे से कहा ये तो हीरो है, तो वो जो उस लड़की ने कभी रीच किया या किसी और लड़कियों ने रीच किया क्या कुछ ऐसा? यार सच बताऊं या फिर लड़कियों को छोड़ के लड़कों ने रीच रीच कर दिया? अबे भाई यार मैं बोल रहा था ना, मैं इसलिए डर रहा था। चलो यार आगे यार, फैमिली पॉडकास्ट। हाँ सही है, मैंने दोस्ती के बारे में किया यार, मतलब लोग आते हैं ना यार, हमें भी काम दो, हमें भी काम दो। देखो जहाँ तक रीच किया, काफी लोगों ने रीच किया, इनफैक्ट लड़कियों ने, लड़कों ने वाकई में रीच किया, लड़कों ने काम के हवाले से रीच किया, या लोगों ने बोला कि यार हमें भी थोड़ा बहुत डांस सिखा दें, हमारे भाई को सिखाते हैं, लोगों ने रीच किया, लड़कियों ने काफी रीच किया, बट सबको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, कुछ को किया है। और एक अच्छा एलिमेंट इसमें ये हुआ कि छोटा सा कट, तो यार मजे की बात इसमें ये कि जो पुराने लोग मुझे छोड़ गए थे ना वक्त पर, पुराने वक्त में जब मैं इस चीज में घुसा और उस वक्त जब मुझे सपोर्ट की जरूरत थी, चाहे वो लव सपोर्ट हो या चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या चाहे वो अंदरूनी सपोर्ट हो, ज़हनी सपोर्ट हो, सपोर्ट हो, जैसे भी हो, चलो उस टाइम जो लोगों ने छोड़ गए वो काफी सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया वापस आए। अच्छा माशाल्लाह, तो इस चीज सही। और बाकी नए लोग जो रीच करते रहते हैं चाहे वो लड़की, यही तो अंजाम है उस्ताद, यही तो अंजाम है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है कि फिलहाल लेकिन ऐसा मेरा कोई मायने नहीं है, अभी मेरा काम से लगाव है, पहले काम पे फोकस करें, कुछ बन जाए अच्छा, प्राउड फील करा लें माँ बाप को, आप दोस्तों को, खुद को, फिर लव लाइफ के बारे में सोचना। अच्छा सही, ओके ओके ओके। इसी के साथ भाई इनकी मूवी आ रही है तकरीबन 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह, 2 हफ्ते बाद आ रही है, पता नहीं व्लॉग ये कब आए पर ये फिल्म से पहले आना चाहिए इंशाल्लाह। हाँ। इंशाल्लाह, तो ये एक हफ्ता पहले आ जाएगा कम से कम, भी हफ्ते पहले कम से कम, ये पॉडकास्ट रिलीज होने के बाद अप्रोक्सीमेट 1-1.5 हफ्ते में इनकी मूवी आ जाएगी इंशाल्लाह। जैसी मूवी आएगी उस वक्त मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अभी मैंने ट्रेलर का लगा दिया है, आप देख लो, बड़ा अच्छा ट्रेलर था। सही है, और बस मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपका आने का,
और इसी के साथ आपने अभी जाना है शूट पे? हाँ यार, अभी बस आपका पॉडकास्ट होगा तो फिर मैं भी अंजाम की शूट पे जाऊंगा। सही, सही। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने टाइम निकाल के मुझे दावत दी, एक अंजाम का पूरा पॉडकास्ट आपने शूट किया, आपकी जो आवाम है जो आपकी चैनल की उससे आपने इंटरेक्ट करवाया, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, पहले से देख रहे हैं या जो भी नए चैनल देखेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अंजाम पसंद आएगी। ये वो ना अल्लाह करे लोग अभी तक देख रहे हो। अरे हाँ, 15-20 मिनट हो गए अभी तक देख रहे नहीं, लोग जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। आपने बहुत इंगेज रखा, आपने बहुत बचाई मेरी, तो वो लोग जरूर देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए हमेशा, और अंजाम जरूर देखिएगा। अब ये दोबारा आ गए, दोबारा से कट मारना पड़ेगा, पर अभी हम ये बंद कर देते हैं, ठीक है? नहीं चलो जी यार, और लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिज यूट्यूब चैनल। कैमरे की बैटरी भी लाल होने लग गई है, बंद होने वाला है। ओके, बाय बाय, हाफिज। और ये लैपटॉप हमने ऐसे ही रखा हुआ था, कुछ चल नहीं रहा है, बस शो तो मारनी चाहिए ना, शो तो होनी चाहिए, बंद कर दो। चलो भाई।